अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि पेंशन अपने इनकम टैक्स रिटर्न किस तरीके से भरेंगे। मेरी वीडियोस के अंदर बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि पेंशन किस तरीके से टैक्स पे करेंगे, उन पे किस तरीके से टैक्स लगता है और किस रेट से करेंगे, वो कैसे अपने रिटर्न फाइल करेंगे। तो आज मैंने सोचा कि चलें आज पेंशन के रिलेटेड जो है ना आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो ये है कि पेंशन के ऊपर जो है वो टैक्स लगता है या नहीं लगता, तो ये हमारा जो है वो हम इसके ऊपर जो है वो आपको जो है वो बताएंगे। कि देखें, आपको मज़ीद क्लैरिटी के लिए मैंने ये खोला भी हुआ है। ये जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैज सेड डेट इनकम ऑफ ऑल पेंशनर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स एंड सेम इज इन द केस ऑफ पेंशनर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। जितनी जो है वो पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और आर्म्ड फोर्सेस को जो दी जाती है वो एग्जेम्प्ट है टैक्स से, उसके ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो उसकी आपने एंट्री कैसे करनी है, क्योंकि जब आप इधर आप जाके अगर आप लिखते हैं, एग्जांपल में आपको हम बात करते हैं कि किसी शख्स की अगर पेंशन है 4 लाख से ज़्यादा, तो आप उसकी एंट्री कैसे करेंगे कि उसको एग्जेम्प्ट किया जाए। ठीक है, इधर जो है वो पीरियड के ऊपर आप अपना ये साल 2019 सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इधर से सेलेक्ट किया और आप जो है वो सिस्टम क्योंकि थोड़ा सा स्लो परफॉर्म कर रहा है, इधर देखें आप इधर अदर सोर्सेज में जाते हैं। मेरी आज की जो वीडियो है ख़ास तौर पे मेरे जो है वो सिर्फ टैक्स ये पेंशनर के हवाले से है, मैं दूसरी चीज़ों के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। जैसे अभी इधर एग्जांपल में 8,18,000 रुपये लिख देता हूँ कि 8,18,000 रुपये उनको पेंशन मिली है, एनओटी और पेंशन के आगे। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आप देखें कि ये जो है आगे आपका जो कंप्यूटेशन के ऊपर जो है वो ये 2,000 टैक्स लिखा आ रहा है। अगर हम इसके मुताबिक अगर हम करेंगे, ये तो देखें 2,000 रुपये लिखा आ रहा है। तो आपने करना क्या है कि आपने इधर जाना है आपके इधर सोर्सेज के अंदर, और आपने ये जो पेंशन आपको मिली है वो आपने इसी तरीके से इधर 8,18,000 आपने इधर से एग्जेम्प्ट कर देना है, ताकि आपका कोई भी ये जो है वो आपके जो पैसे हैं वो उसके ऊपर किसी किस्म का टैक्स ना लगे। ये देखिए इधर कैलकुलेट पे क्लिक किया तो इधर ये ज़ीरो हो जाएगा। और इधर ज़ीरो हो गया और उधर जो है वो सिस्टम थोड़ा सा स्लो परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये टाइम आ रहा है 31 तारीख का, ये सिस्टम जो है वो हैवी हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए जो है स्लो परफॉर्म कर रहा है। तो अब मैंने इधर कंप्यूटेशन के ऊपर मैंने दोबारा क्लिक किया है तो खुल रहा है पेज। अब वो वहाँ पर जो है आपका ये जो 2,000 रुपये लिखा आ रहा था वो अब जो है वो आपके उधर 2,000 रुपये नहीं लिखाएगा, अब आपका जो है वो ज़ीरो टैक्स हो जाएगा। क्योंकि ये वीडियो बढ़ रही है, लंबी हो रही है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये जो है आपका जो है ये जो 2,000 रुपये टैक्स लिखा आ रहा होगा वो अब 2,000 रुपये टैक्स नहीं आया होगा, वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो जाने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, ये देखें चले मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें कंप्यूटेशन के ऊपर अब किसी किस्म का भी टैक्स नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि मेरी आप आने वाली मज़ीद वीडियोस देखें तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा।
आपके लाइक से पता चलेगा कि मेरी ये वीडियो आपको कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही, और इसी तरीके से मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ या ना लाता रहूँ, वो आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो के आने तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।